पेरिस ओलंपिक्स लो भारत को मरो पदकम वच्चिंदि इप्पटिके नालुगु कांस्यालनु साधिंचिन भारत ईसारी सिल्वर नु तन खातालो वेसुकुंदि बल्लेम वीरुडु भारत स्टार अथ्लेट नीरज चोप्रा सिल्वर मेडल नु साधिंचारु अर्धरात्रि जरिगिन जावलिन थ्रो फाइनल लो नीरज रेंडो प्रयत्नंलो ईटनु 89.45 मीटर्लु विसिराडु दींतो मोत्तं 12 मंदि पोटी पड़िन फाइनल लो नीरज चोप्रा रेंडो स्थानंलो उन्नारु पाकिस्तान अथ्लेट नदीम 92.97 मीटर्लु विसिरि स्वर्णानि साधिंचुकुन्नाडु फाइनल बरिलो मोत्तं 6 प्रयत्नाल्लो नीरज केवलं 2 थ्रोल्लोने सफलमय्याडु मिगता अन्नि प्रयत्नाल्लोनू विफलमय्याडु पाक आटगाडु अर्षद 2 सार्लु 90 मीटर्ल कंटे एक्कुवगा ईटनि विसिराडु ఈ ఒలింపిక్స్ లో ఇప్పటివరకు భారత్ మొత్తం 5 పతకాలు సాధించింది వీటిలో తొలి సిల్వర్ మెడల్ నీరజ్ దే बहुत बहुत धन्यवाद 88.54 के साथ टोक्यो में क्वालिफिकेशन से बाहर हो गए थे 80.4 वरस ओलंपिक्स नीरज पथकाल साधिपै अभिनंदनलु वेलुवुला वस्तुन्नायि चरित्र सृष्टिंचिन नीरज चोप्राकु अभिनंदनलु विशेष चेप्पारु भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नीरज नु चूसी भारत गर्विस्तुंदनि वच्चे तरालकु अतडि फीट स्फूर्तिगा निलुस्तुंदंटू कोनियाडारु अटु प्रधानी मोदी कूडा अभिनंदनलु तेलिपारु ई मेरकु एक्स लो पोस्ट चेशारु नीरज चोप्रा अद्भुतमैन व्यक्ति तन प्रतिभनु मल्ली चाटाडंटू प्रशंसिंचारु मोदी 88.54 के साथ टोक्यो में क्वालिफिकेशन से बाहर हो गए थे 80.4 आखिरी अटेम्प्ट लेंगे यहाँ पे ढूंढ के लिए 80 से भी थोड़ा पीछे यानी कि अब कंफर्म हो चुका है कि राजेश वर्मा गोल्ड मेडल लेकर जाएंगे नीरज बहुत बहुत मुबारक के साथ टोक्यो में क्वालिफिकेशन से बाहर हो गए थे 80.4 आखिरी अटेम्प्ट लेंगे यहाँ पे ढूंढ के लिए 80 से भी थोड़ा पीछे यानी कि अब कंफर्म हो चुका है कि राजेश वर्मा गोल्ड मेडल लेकर जाएंगे नीरज बहुत बहुत मुबारक गोल्ड बनता है जी के लोग उसका आ गया वो भी इससे लच्चा वो भी मेहनत करता जा रहा था कहीं लगता है आपको इस बार दबाव था नीरज के ऊपर जो आप मतलब इसमें गोल्ड से चूक गए नहीं जी कोई दबाव नहीं था अपनी मर्जी खेल रहे थे बच्चे तो कितना खुश सिल्वर मेडल आया बड़े खुश हैं जी हम बड़े खुश हैं जमा इतिहास में पहली बार आया कि किसी ने ओलंपिक में लगातार दो मेडल जीते हैं एक ही खिलाड़ी क्या कहते हैं ना हम तो बहुत खुश हैं उन्हें जीत लिया वो भी हमारे ताकत था उन्हें जीत लिया वो भी हमारे ताकत था हम तो बहुत खुश हैं बच्चे मेहनत करते जा रहे थे सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे आज हम कहेंगे आज नीरज का दिन नहीं था वह तो जी हम पहले ही बोल रहे थे लेकिन खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का पहली बार उसने थ्रो अच्छी कर दी थी और रह गया था आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी बड़े भावुक हो रहे हैं कारण क्या चलो ये तो बच्चे की न्यूज चलो वो भी मेहनत कर रहा था और भी सारे मेहनत करके उन्हें देखो बेचारे मैं कहते हैं ओलंपिक में एक भी नहीं मेडल ले पा रहे जी बिल्कुल बिल्कुल जी आपकी सारे परिवार तक बधाई दे दूंगा मैं हाँ नमस्कार जी भाई साहब मेरा लगा हुआ था पहला मेरे उसमें आज नीरज ने बहुत दो मेडल आए हैं सर बैक टू बैक ये एक देश देश में एक मेडल और जुड़ गया और चार ब्रॉन्ज और एक सिल्वर हो गया ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है
इसमें नीरज ने आज अपना बेस्ट थ्रो करा है, अर्शद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, कहते हैं नीरज कहीं ना कहीं प्रेशर आ गया था अर्शद नदीम भी पहले थ्रो पे। देखो जब थ्रो ज्यादा लग जाती है और फाउल वो हो जाता है तो नेचुरली बात है प्रेशर आ जाता है प्लेयर के ऊपर। चार फाउल नीरज ने करे लेकिन अपना सीजन बेस्ट थ्रो भी करा, उसे किस तरह वो दृढ़ मानसिकता थी उसकी कि उसने फॉल होने के बाद भी वो रिदम में आया और उसने सिल्वर मेडल के लिए थ्रो किया। एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं, कितना प्रेशर होगा इतना बड़ा वर्ल्ड कप? आप इस प्रेशर को ऐसे देख सकते हैं कि हम दर्शक इतने थे, हम कितना प्रेशर ले रहे थे और वो तो परफॉर्म कर रहा था तो प्रेशर तो नेचुरली आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खुशी का माहौल है गांव में और भगवान से यही प्रार्थना की ऐसे दिन हमेशा आते रहे। और नीरज का स्वागत कैसे करेंगे? वो अभी बैठ के पूरा फैमिली प्लान करेगी भाई हम इसको कैसे सेलिब्रेट। 88.54 के साथ टोक्यो में क्वालिफिकेशन से बाहर हो गए थे। 80.4 हैं, उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे और अच्छा रहा है टोटली। अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रॉन्ज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं, कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। बिल्कुल नीरज, आपने टोक्यो में 87.5 से ऊपर फेंका था और आपका स्वर्ण आया, यहाँ पे 89 से भी ज्यादा फेंका लेकिन आपको यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला, तो इससे साफ पता चलता है कि जैवलिन का कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल आपके विरोधी अर्शद नदीम ने फेंका 92.97, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी थ्रो था, उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि हाँ ये आज वो दिन था जहाँ कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई था और उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना। नहीं बिल्कुल, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था और वही है हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है, आज अर्शद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था या एशियन गेम्स में अपना दिन था, तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज परफेक्ट होती है जैसे अर्शद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो, तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है पर वो निकलेगी जब भी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। बिल्कुल, इंजरी के बावजूद भी आपने अपना सीजन बेस्ट फेंका है यहाँ पर और जो आपका क्वालिफिकेशन था उसमें भी आपका बेस्ट थ्रो था, तो आपके तरफ से परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन अंदर ही अंदर जो चैंपियन है नीरज चोपड़ा और जो गोल्ड जीतने की उसकी आदत है, इस बार ये लग रहा है राष्ट्रीय गान नहीं बजा अभी तक। देखो राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही और वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं, लेकिन वही है स्पोर्ट्स है और ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि वही सबसे सही रहेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा, लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। बहुत बहुत मुबारक।